हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मॉरिजम। फ्रेंड्स, आज के मैं बात करने वाला हूँ वीवो I21T डिवाइस के अंदर आप डाटा स्पीड स्लो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने डाटा का स्पीड जो है उसे स्लो कैसे करेंगे, अगर आपके स्क्रीन पे नहीं पता लगता है कि हमारा जो डाटा का स्पीड है वो कितनी KBS से चल रहा है, तो आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन पे अपने डाटा का स्पीड शो कैसे करना है, ये सेटिंग मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको सेटिंग में चलता हूँ और आपको बता देता हूँ आपको अपने फ़ोन में डाटा स्पीड शो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट नंबर अपने सेटिंग को क्लिक करना है। आप जैसे सेटिंग को क्लिक करोगे सेटिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेटिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। और यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको स्टेटस बार के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो फ्रेंड्स, आपको इसको फ़ोन में अपने इनेबल करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो आपको इसके आगे एक बटन जो है इसको आपको इनेबल करना होगा। आप देख रहे हैं ये बटन को आपको इनेबल करना होगा। जब आप इसको अपने फ़ोन में इनेबल करोगे तो आपका जो डाटा का स्पीड है वो आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में ऑन है और यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं हमारा जो डाटा का स्पीड है यहाँ पे शो हो रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने फ़ोन में भी अपने डाटा का स्पीड जो है उसे अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने नेट को भी यूज कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा का स्पीड है वो कितनी KBS से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन है आपको डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो आपको इसको इनेबल कर देना होगा। अगर आपको नहीं यूज करना है तो आपको इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे जो डाटा का स्पीड है वो नहीं शो होगा। अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो आपके फ़ोन में जो डाटा का स्पीड है जितने भी KBS से चलेगा वो आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेटिंग में जाने में कोई प्रॉब्लम्स आती है या सेटिंग आपके फ़ोन में सेम नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे बैक आना है। आप अपनी सेटिंग को जैसे क्लिक करोगे सेटिंग में कुछ इस तरह आ जाएगा आपके, और यहाँ पे ऊपर में सेटिंग में सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अपना। तो आप देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे रियल टाइम रियल ही लिखते हैं, इसके बाद हमारे स्क्रीन पे शो हो जाता है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपने फ़ोन में। तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे आप डायरेक्टली अपने डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड पे आ जाओगे और इसको ऑन यहाँ से कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको सेटिंग में ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपने सेटिंग से यहाँ पे आ सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ से इनेबल ऑन ऑफ कर लेना अपने फ़ोन में, जिस तरह आपको यूज करना। अगर आपको स्क्रीन पे शो करना है तो आपको इसको इनेबल कर लेना, अगर आपको नहीं शो करना तो आपको इसको ऑफ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।